बहराइच मार्ग पर स्थित किलोमीटर 8 पर मुडेरवा माफी ग्रामीण बैंक के मैनेजर कर्ज वसूली के लिए मुडेर कला गांव गए थे, जहां पर उनकी सरेआम पिटाई कर दी गई और वह भागकर जान बचावाए। सूचना पर देहात कोतवाली पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर डॉक्टरी कराकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस तहरीर के मुताबिक दीपक मिश्रा ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यकाल से मनीष कुमार मौर्य भगवान दास के यहाँ वसूली के लिए गए थे, जिन पर 1,23,000 बकाया है। इसी के लिए वह भगवान दास से मिलने पहुंचे तो उनका लड़का उमेश व अन्य उत्तेजित हो गए, हमला कर मारा पीटा और सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाया। पुलिस ने प्रकरण की गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। वही सीओ विनय सिंह ने बताया कि घटना की प्राथमिक दर्ज कर ली गई है। क्या नाम है? ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक है। रिकवरी के लिए मुंडेरवा कला गाँव गए थे, जहाँ पे बारोवर ने अपनी केसीसी जमा नहीं कर रहा है और जमीन भी बेच दिया है, तो उससे तगादा करने पर उसके परिवार ने घेर के जान से मारने के लिए हमला किया। दो कर्मचारी थे जिसमें चोट आई है, तो FIR दर्ज कराई जा रही है कोतवाली में, इसीलिए आए हैं। हमारा नाम दीपक मिश्रा और आपके साथ कौन थे? हमारे मनीष कुमार मौर्या जी थे। ये भगवान दास सनप सुमिरन ये राड से हमला किए, लोहे की राड से। रिकवरी के लिए कहने पर क्या कहे? गाली दिया उसका, मारने के लिए दौड़े, क्योंकि रिकवरी के लिए काफी प्रयास पहले से किया जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है। थाने में आपने तहरीर दिया हमको? जी जी जी, उसके लिए मेडिकल के लिए जाए और विधिक कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट हरिनारायण शुक्ला, दैनिक भास्कर, गोंडा।